देख रहे हैं जनवा टाइम्स, सच के साथ एक कदम। आज दिल्ली के मंडी हाउस पर राष्ट्रीय विकलांग संघर्ष मोर्चा के द्वारा रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2018 को लेकर धरने का आयोजन किया गया। यह धरना सुबह 4 बजे से ही शिक्षा एवं रोजगार हमें दया नहीं अधिकार के बैनर तले चालू हो गया। दिव्यांगों की के द्वारा अपनी मांग को लेकर विगत 6 माह से संघर्ष जारी है। देखते हैं संवाददाता अरविंद सागर के साथ कैमरामैन पलक सागर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विकलांग संघर्ष मोर्चा बहुत बहुत दूर से, कोई बिहार से, कोई कहीं से, पूरे देश से ये लोग इकट्ठे हुए, तो इनके बारे में आप क्या, शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है कृष्ण कुमार, मैं महाराष्ट्र से हूँ। देखिए हम कृष्ण महाराष्ट्र से हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे करीब 1000 से ज्यादा दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांगे हैं जो रेलवे भर्ती 02/2018 ग्रुप डी की निकली हुई थी, उसमें पहले जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था उस टाइम पे दिव्यांगों को क्वालिफाई करते हुए ये बताया गया था कि अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है, जब हम लॉगिन करते हैं उस टाइम पे ये मैसेज शो करता है कि आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से छाड़ दिया गया है। तो ये पहला हमारा सवाल है, जब आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला तो सारे बच्चों ने, आप जानते हो एक दिव्यांग की स्थिति क्या होती है, वो एक पैर पर चल रहा है, आप देख सकते हो बैसाखी कोई दो पैर जिनके ख़राब है, वे लोगों ने इलेक्शन का टाइम होते हुए जहाँ तहाँ जैसे तैसे अपना डॉक्यूमेंट बनाया, अचानक आप किस बेसिस से बोलते हो कि आप लोग डिस्क्वालीफाई हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आप लोग इसमें कितने दिन से हैं? हम लोग यहाँ पे पिछले 6 महीने से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आखिरी महीने 23 अक्टूबर को हमारी आंदोलन हुई थी, जिसमें रेलवे CCPD के द्वारा, जो दिव्यांगों का एक कोर्ट है, उसने रेलवे को सुझाव दिया था कि जितने भी आपने दिव्यांगों को DV के लिए बोला है सबकी DV कराओ और रोजगार दो, लेकिन रेलवे ने उनकी बात नहीं मानी। और इसलिए हम लोग आज सुबह 4 बजे से हम लोग फिर से अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, यहाँ पे जितने भाई हैं सबके जब तक ज्वाइन लेटर नहीं मिलता है तब तक हम लोग इस जगह से उठेंगे नहीं, चाहे इसके लिए 1 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 10 साल लगे। तो अभी तक आपने सरकार को कितने लेटर लिखे? हमने सरकार को पिछले 6 से 7 महीने में हजारों लेटर लिख चुके हैं। हाल में 20 दिन पहले भी हम लोगों ने बहुत सारे लेटर लिखे, बाय फैक्स, बाय मेल, बाय हैंड रिटन, हमने बहुत सारे लेटर लिख चुके हैं। अब हम लोग और एक लेटर लिख रहे हैं, आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। अगर 3 दिसंबर को विकलांग दिवस मनाया जाता है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम लोग यहाँ पे सभी लोग इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास लेटर भेजेंगे, ताकि अगर हमें जॉब नहीं दे सकते कम से मृत्यु दे दो। तो कोई अभी तक कोई बड़ा नेता है आपके पास? फिलहाल अभी तक कोई भी नेता नहीं आया है, किसी पार्टी से नहीं आया है, ना रेलवे की तरफ से कोई आया है, ना CCPD कोर्ट जो दिव्यांगों का कोर्ट है वो भी नहीं आया हमारे पास। तो आपकी जो मांगे हैं इनको लेकर ये सारे लोग आपके साथ देने को तैयार हैं? हाँ, ये क्योंकि ये हम, मेरी मांग नहीं है, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं भी इनकी तरह विद्यार्थी हूँ, मैं और इनमें कोई फर्क नहीं है, सब लोग क्वालिफाई हैं, सब लोग डिफरेंट डिफरेंट जोन से, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे आए हुए हैं अपने हकों को लेने के लिए। हम लोग कोई भीख नहीं मांगने नहीं आए, हमने, आपने जब बोला नौकरी के लिए क्वालिफाई हैं तो हमें नौकरी दो, उसके लिए आए, हमें भीख नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, इसलिए हम आए। थैंक यू सर, धन्यवाद। जनवा टाइम्स में आपका स्वागत है, हम लोग आपके साथ हैं। और ये देखिए जी, ये लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं यहाँ पर बेचारे, इनकी जो मांगे हैं, इनके जो अपने परिवार को छोड़ छोड़ कर बैठे हैं, जो कि इतने मजबूर हो गए हैं कि ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो है ना आत्मदाह करने पर मजबूर हैं। तो कृपया सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँचाने की कृपा करें, धन्यवाद। जनवा टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।